ठीक है, तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको ट्रांसफर फंक्शन बेटा निकालना होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स प्लस बी प्लस डी। तो आपको बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको एकदम मगअप करना है। अब आपको इक्वेशन क्वेश्चन में कैसे देगा कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस टू वन जीरो माइनस थ्री एक्स प्लस जीरो वन यू और y इज इक्वल टू वन वन एक्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा कि आपने जो जनरल इक्वेशन स्टेट इक्वेशन की निकाली थी, जनरल स्टेट इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या थी, स्टेट इक्वेशन का जनरल फॉर्म था x डॉट t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और आउटपुट की जो जनरल फॉर्म थी वो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। तो आप इन दोनों इक्वेशन से इसको कंपेयर अगर बेटा करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा माइनस टू वन जीरो माइनस थ्री, इसी तरह देखिए b की जगह आएगा जीरो और वन, इसी तरह c की जगह आएगा रो मैट्रिक्स वन वन और d यहाँ पर कुछ नहीं है तो d इज इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है बेटा यहाँ पर, तो इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने निकाल लिया एस आई माइनस ए, तो एस आई माइनस ए एस आई यूनिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन माइनस ए माइनस टू माइनस वन जीरो माइनस थ्री, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लिया एस जीरो जीरो एस माइनस टू वन जीरो माइनस थ्री, आपने इसको सॉल्व कर लिया, एस आई माइनस ए की वैल्यू निकाल ली और एस आई माइनस ए के मॉड वैल्यू निकाल ली, मॉड वैल्यू आ गई एस प्लस टू एस प्लस थ्री। अब आपको बेटा यहाँ पे निकालना है एस आई माइनस ए इनवर्स, तो एस आई माइनस ए इनवर्स बेटा होता है एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स वैल्यू होती है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपॉन उसका मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए अपॉन मॉड ऑफ एस आई माइनस ए, मॉड ऑफ एस आई माइनस ए, ओके। तो देखिए एडजॉइंट अगर वैल्यू बेटा यहां पे आप निकालोगे तो इसकी एडजॉइंट वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट वैल्यू आ जाएगी एस प्लस थ्री। एडजॉइंट में देखिए इन दोनों को हम आपस में चेंज कर देंगे तो ये एस प्लस थ्री और यहाँ पे नीचे आ जाएगा एस प्लस टू और ये वैल्यू वैसे लिख देते हैं माइनस वन जीरो और मॉड है आपकी, मॉड वैल्यू आप निकाल चुके हो बेटा एस प्लस टू और एस प्लस थ्री। अब इसको बेटा आप इस वैल्यू को एस आई माइनस ए इनवर्स आपको मालूम चल गया, तो एस आई माइनस ए इनवर्स की वैल्यू ऊपर ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। देखिए ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉर्मूला है मैं फिर से लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ट्रांसफर फंक्शन का जो बेटा आपका फॉर्मूला है, दैट्स फॉर्मूला इज सी एस आई माइनस ए। सर एक मिनट शांत, थोड़ा सा लेक्चर ले रहे, सी एस आई माइनस ए का होल इनवर्स, ठीक है, प्लस इनटू बी प्लस डी, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो जब आप सी की वैल्यू बेटा पुट करोगे तो सी आपका रो मैट्रिक्स है वन वन, एस आई माइनस ए बेटा आया आप देखिए आपको वन अपान एस प्लस टू, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे था एस प्लस थ्री और मैट्रिक्स ये आपकी आ गई थी एस प्लस थ्री माइनस वन जीरो और एस प्लस टू इंटू बी मैट्रिक्स बेटा आपकी क्या थी, बी मैट्रिक्स थी आपकी जीरो और वन प्लस डी मैट्रिक्स थी बेटा आपकी जीरो, ठीक है। अब इस चीज को, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके बेटा आएगा वन अपान एस प्लस टू ट्रांसफर फंक्शन, वन अपान एस प्लस टू, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इन दो को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इसको रो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर एस प्लस टू एस प्लस थ्री से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो इक्वेशन आएगी आपकी ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू वन अपान एस प्लस टू। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं स्टेट स्पेस मॉडल से, जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं स्टेट स्पेस मॉडल से। तो बताइए बेटा यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो
फिर से बताइए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क।